आपने पूछा सुख का कारण क्या, और मैं बताना चाहता हूं सुख का कारण है स्वीकार भाव। कहा कि जिसके जीवन में स्वीकार भाव है वह सुखी है। जिसने लड़ने की कोशिश करी, सभी दुखी संसार, हम दुखी क्यों? क्योंकि हम लड़ते हैं, हम स्वीकार नहीं करते जीवन की हर कंडीशन को, जीवन की हर परिस्थिति को, जीवन की हर एक घटना को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हम दुखी है। समझ लेना, जीवन में सुख का कारण एक ही है, स्वीकार। हमारे यहां लिखा गया कि साधु सुखी क्यों? सुखी क्योंकि उसके भीतर स्वीकार भाव है, स्वीकारता की भावना उसके भीतर। जीवन की कोई भी परिस्थिति, जीवन की कोई भी कंडीशन वो स्वीकार कर सकता है, इसलिए सुखी है। और आपके भीतर भी यदि स्वीकार भाव आ जाए तो आप भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि प्राप्ति तो पुण्य के हिसाब से है। हम पुरुषार्थ कितना कर ले, दौड़ कितने लगा ले, भाग कितना ले, लेकिन प्राप्त कितना होना? जितना हमारा पुण्य होगा, पुरुषार्थ से पुण्य का जब समन्वय होगा उतना ही प्राप्त होगा, उससे ज्यादा तो हमें प्राप्त नहीं होना। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जब पुरुषार्थ के बाद भी प्राप्ति न हो और तब हम स्वीकार कर ले, यही सुख का कारण है। स्वीकार में ही सुख है। जीवन में समझ लेना है, सूत्र दिमाग में बिठा लेना। जब भी हमारे भीतर सुख की बात आवे, जब भी हमारे भीतर यह भाव आवे कि सुखी कैसे बने, शास्त्रकार भगवंत ने एक ही प्रत्युत्तर दिया, स्वीकार में सुख है। हम स्वीकारते नहीं, हम छिपाने की कोशिश करते हैं। कहा कि स्वीकार भाव से सारे रास्ते खुल जाते हैं। दुनिया के सभी धर्मों ने यही कहा गया, आप जैसे हो खुद को स्वीकार कर लो। हमारे रत्नाकर 25 लिखी गई, और रत्नाकर 25 में श्लोक लिखा गया कि हो काम धेनु कल्प तरु चिंता मणि ना प्यार मा खोटा छता जंख्यो घणु बनी लुब्ध आ संसार मा। कहा कि परमात्मा में मैं बेकार हूं, मैं गंदा हूं, मेरे भीतर गंदगी रही हुई है, मैं दुर्गुणी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार में सुख है, क्योंकि स्वीकार कर लेने से दुर्गुण अपने आप चले जाते हैं। हम स्वीकारते नहीं, हम छिपाते हैं। कोई आपको ये कह दे आप क्रोधी हो, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? आपको पता है कि आपको क्रोध आता है, आप जानते हो कि आपके भीतर क्रोध भरा हुआ है। आपको पता है कि जो भगोना होता है उसको गर्म होने में तो 2 मिनट लगती है, आपको तो उतनी भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी कोई यह कह दे कि तू क्रोधी है तो हमारा रिएक्शन क्या है? स्वीकार हम नहीं कर सकते, और इसीलिए क्रोध भरता जा रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है। जो चीज का स्वीकार कर लिया जाए वो चीज हमारे लिए बेकार हो जाती है। मन का स्वभाव समझ लेना, जिसकी प्राप्ति उसको हो जाती है उसके लिए वो निरर्थक हो जाता है। जो चीज की प्राप्ति आपको हो गई, जिसका आपने स्वीकार कर लिया, जिसका आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगा। आप ये स्वीकार कर लो कि नहीं गुरुदेव, मैं क्रोधी हूं, मुझे गुस्सा आता है, मैं कामी हूं, मेरे में काम वासना की प्रबलता है, स्वीकार कर लो, निश्चित तौर पर बच जाओगे। स्वीकार में सुख है। हम भागते, हम भगोड़े हैं, हम छिपाते, हम छिपाने की कोशिश करते कि नहीं नहीं मेरे जैसा सज्जन इंसान तो संसार में कोई नहीं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दुर्जनता भीतर इतनी पनपती है, इतनी पनपती है, इतनी पनपती है, जब अवसर मिलता है तो पता चलता है कि दुर्जन को भी सज्जन कहला दे, ऐसा तो हमारा जीवन है। आपको पता है यीशु ख्रिस्त ने अपने धर्म में एक सुंदर परंपरा बनाई, कन्फेशन। आप देखिएगा, कभी चर्च में गए हो तो, आपका ध्यान पड़ा हो तो, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि तूने जीवन में जितने पाप किए उसको धुलने का एक ही रास्ता है, कन्फेस कर ले, और कुछ नहीं। ना तुझे कोई सजा मिलने वाली है, ना तुझे उसका कोई आरोप लगने वाला है, ना तुझे कुछ मिलने वाला है, बस चर्च में जाओ, कन्फेस कर दो। वहां पे खिड़की होती है, खिड़की के भीतर पादरी बैठे हुए होते हैं, बाहर की तरह कन्फेशन करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ होता है, और वहां जाके जितने भी पाप उसने जीवन में किए, आज के दिन में किए, ये महीने में किए, वो स्वीकार कर लेता है। बड़ी अद्भुत परंपरा है कन्फेशन। हम कन्फेस नहीं कर पाते, हम स्वीकार नहीं कर पाते हमारे पापों को। हमारे यहाँ प्रतिक्रमण की परंपरा वही तो है, कन्फेशन है। परमात्मा, आज पूरे दिन में मैंने इतने जीवों की हिंसा करी, इतने जीवों को मारा, 14 का प्रतिक्रमण करते हैं हम, बड़े अतिचार बोलते हैं, वो क्या है? कन्फेशन है कि हमने पूरे 15 दिन के दौरान हमने ये पाप किए, हमें क्षमा कर देना, कन्फेशन है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा कि आप स्वीकार कर लो। परमात्मा महावीर ने भी यही कहा, स्वीकार कर लो।
इसीलिए भद्रभाव स्वामी महाराज ने कल्प सूत्र के माध्यम से लिखा कि स्वीकार में सुख है, कहां के जो रुजू और नम्र कौन, जो स्वीकार कर ले, अपनी गलती का एहसास मान ले, स्वीकार कर ले। जब गुरु ने कहा कि तुम्हारी गलती है तो स्वीकार कर लिया, वो रुजू और नम्र है। और जड़ और वक्र कौन, जो स्वीकार ना करे, जो एक्सेप्टेंस करने को तैयार नहीं, जो स्वीकारने को तैयार नहीं, वो जीवन में हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता, सुख उसको मिल नहीं पाता। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में सुख का एक ही कारण है, क्या है? स्वीकार, एक्सेप्टेंस। कन्फेस कर लो, हम पापी है तो है, हम दुर्गुणी है तो है, हम दुर्जन है तो है, हमारे भीतर क्रोध है तो है, हमारे भीतर माया है तो है, हमारे भीतर कपट है तो है। कन्फेस कर लो, बच जाओगे। स्वीकार जो चीज का कर लोगे, वो चीज से आप निश्चित बच जाओगे। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा स्पष्ट रूप से, सुख का कारण एक ही है, स्वीकार। आपने पांडवों का जीवन देखा, बचपन राजमहल में सोने की चम्मच के साथ जो पैदा हुए, राजमहल में जिसका बचपन बीता, परेशानी ऐसी आई जीवन में, 13 साल के लिए वनवास हो गया, जुगार में हार हुई, जीवन का चक्र बदला, समय का चक्र बदला, और सबका बदलता है, समझ लेना। आप जितने भी इतिहास पढ़ लो, आप इतिहास के एक एक पात्र को जान लो, आप इतिहास की घटनाक्रम को देख लो, समय सबका बदलता है, चाहे आप है चाहे मैं हो, संसार में हर व्यक्ति का समय का चक्र बदलता है। और समय का चक्र बदला, जो सोने की चम्मच के साथ जीवन में पैदा हुए थे, वो 13 साल के लिए दर दर भटकने लगे, खाने के सांसे, भोजन कहां से मिलेगा पता नहीं, शाम को क्या खाएंगे पता नहीं, पानी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। जा एक चीज मांगते थे, 1000 चीज हाजिर हो जाती थी। उन्हीं के जीवन में परिवर्तन देखो कैसा आया, 13 साल तक दर दर भटकते रहे। अरे वहां तक तो ठीक था, लोग पहचानते थे पांडव है, लेकिन 1 साल अज्ञातवास का और राजा विराट के घर में जाकर के जो एक एक का रोल आप देखो, आपको पता चले जो इतने शक्तिशाली युधिष्ठिर कौन, वहां पे जाकर के पुरोहित बने, इतना शक्तिशाली भीम कौन, वहां पे जाके महाराज बना, किचन में रसोई बनाने का उसको काम, इतना शक्तिशाली जिसके नाम से लोग ध्रुजते थे। ऐसा अर्जुन जो यदि धनुष से उठा ले, तो जीवन में दुनिया में कोई भी व्यक्ति सामने आए उसको हराने की जो ताकत रखता था, वो वहां पे नौकर बन के रहता था। ये जीवन का चक्र है, बदलता है, समझ लेना, सबका बदलता है, हमारा भी, आपका भी, हर एक व्यक्ति का, परमात्मा महावीर का भी बदला, हर एक व्यक्ति का बदलता है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि स्वीकार कर लो, जीवन की जो कंडीशन, जो परिस्थिति आवे उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार में ही सुख है और कहीं पे सुख नहीं है। और वापिस चक्र बदला तो कैसा बदला, वापिस राजा बने, वापिस पूरा राज्य मिला, वापिस पूरी सेना मिली। लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते, समझना, जीवन का चक्र सभी का बदलता है, परिस्थितियां सभी की डिफरेंट आती है, सभी की अच्छी बुरी आती है, लेकिन हमारे भीतर एक ताकत है स्वीकार भाव की, तो दुनिया का कोई इंसान हमें सुख से वंचित नहीं रख सकता। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।